Hello everyone, this is Akash Gupta, Life Skill Trainer and a Motivational Speaker. I would like to welcome you all at our official YouTube channel Synonym Solutions. I hope you all are doing great and I wish a huge success to all of you. So in this video, I am going to share all about mentor. Ek mentor kaun hota hai? Kis tarike se mentor select karna chahiye? Mentor ki qualities kya kya hoti hai? Mentor honi ke benefits kya kya hoti hai? So without wasting time, main topic ko start karta hun. Let's come to the first point. First point kya hai? Ki why we need mentor? Mentor ka hona hamari life mein kyun zaruri hai? So we have to understand the fact ki jabhi bhi hamari body ke andar koi bimari hoti hai, to hum jate hain doctor ke paas usko cure karne ke liye. Doctor ke paas jate hain jisse ki hamari body disease jo hai wo theek ho jaye, hamari body के अंदर जो अनवांटेड फॉल्ट्स आ गए हैं वो ठीक हो जाए. इसी तरीके से अगर हम अपनी जर्नी में जा रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं, अपने एम्स की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं जो हम खुद नहीं निकाल पाते. डिस्ट्रैक्शन के फॉल्ट्स, एक्सक्यूजेस के फॉल्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. क्लियरिटी नहीं होती है, पाथ का नहीं पता होता है. सारी चीजों को निकालने के लिए एक मेंटोर का होना जरूरी है. जिस तरीके से डॉक्टर आपके शरीर की बीमारी को ठीक करता है, उसी तरीके से मेंटोर आपके गोल में जो बीमारियां आ रही हैं, आपके एम को अचीव करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ठीक करता है. इसीलिए एक मेंटोर का होना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ द सेकंड इज Why only right mentor? एक सही mentor का ही होना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग कहते हैं my parents are my mentor, my father is my mentor, my mother is my mentor. Yes, they are our mentor. वो हमारे common mentor हैं. उन्होंने हम सभी को life में बहुत अच्छे से पाला पोसा है, बड़ा किया है, सब कुछ हमने उन्हीं से सीखा है. But जब अपने goal की तरफ जा रहे हैं, अपने aim की तरफ जा रहे हैं, हमें एक specialized mentor चाहिए ही होता है. क्यों? क्योंकि जब आपको कोई बीमारी हो जाती है teeth के अंदर, तो आप dentist के पास ही जाते हैं, आप ऐसे doctor के पास नहीं जाते जो कि स्टमक का स्पेशलिस्ट है. तो आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक राइट मेंटोर की जरूरत होती है. तो इसलिए हम लोगों को एक ऐसा मेंटोर सेलेक्ट करना चाहिए जो हमें अपने डायरेक्शन में, अपनी गोल की तरफ और अपने एम की तरफ बहुत ही फास्ट स्पीड से ले जा सके. थर्ड बात आती है कि हमारे मेंटोर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो हमारे मेंटोर के अंदर तीन क्वालिटीज होनी चाहिए. आपको देखना है मेंटोर सेलेक्ट करने से पहले क्या उसके अंदर ये थ्री क्वालिटीज है. द फर्स्ट क्वालिटी योर मेंटोर शुड हैव, यू हैव टू ऑब्जर्व, इज योर मेंटर इज अ डूअर और अ ड्रीमर. क्या आपका मेंटर एक डूअर है या सिर्फ एक ड्रीमर है? क्या सिर्फ वो सोचता ही सोचता है, ख्याली पुलाव अपने दिमाग में बनाता है, या साथ में उसको पाने के लिए एफर्ट्स भी कर रहा है, उसको गोल्स को अचीव भी कर रहा है, अपने एम की तरफ बढ़ भी रहा है? तो फर्स्ट क्वालिटी आपके मेंटोर के अंदर होनी चाहिए कि वो डूअर होना चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रीमर. सेकेंड क्वालिटी आपके मेंटोर के अंदर होनी चाहिए, डज ही डू वॉट ही से, डज ही अप्लाई व्हाट ही से. क्या वो जो बोलता है वो खुद की लाइफ में अप्लाई करता है? क्या वो उसको खुद फॉलो करता है? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपसे कोई आके बोलता है कि पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम पे हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हमें ये अप्लाई करना चाहिए, इससे डर खत्म होगा, ये अप्लाई करना चाहिए, इससे ये होगा, तो ये सारी चीजें क्या वो खुद अपनी पब्लिक स्पीकिंग में अप्लाई कर रहा है, या फिर आपके साथ सिर्फ एक बुकिश नॉलेज कहीं से बुक्स पढ़ के, कहीं से वीडियोज देख के सिर्फ शेयर कर रहा है? तो ये सेकेंड क्वालिटी आपके अंदर मेंटर के अंदर होनी चाहिए कि वो जो भी बोले उसको वो खुद के ऊपर भी अप्लाई करे. एंड द थर्ड क्वालिटी जो आपके मेंटोर के अंदर होनी चाहिए, डज ही डिलीवर व्हाट ही से. जो जो वो बोलता है बातें कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, क्या वो सारी चीजें आपको डिलीवर करता है? अगर ये तीन क्वालिटीज आपके मेंटोर के अंदर है कि वो एक डूअर है, वो अप्लाई भी करता है, और वो आपको अपनी बातें जो बोलता है उसको डिलीवर भी करता है, तो आप उसको अपना एक मेंटोर बना सकते हैं. तो ये तीन क्वालिटीज आपके मेंटोर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपको इस तरह का मेंटर मिल जाता है, तो अब आपकी बारी आती है कि आपका फेथ अपने मेंटोर के ऊपर किस तरीके का होना चाहिए. एक जो मेंटी है उसका मेंटोर के ऊपर फेथ होना चाहिए जिस तरह का फेथ अर्जुन का था कृष्ण के ऊपर. अर्जुन की भी हालत ऐसी ही थी कि वो फाइट लड़ना नहीं चाह रहे थे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस थे, बट कृष्ण ने उनको मेंटरिंग किया, कृष्ण ने उनको समझाया, एंड आफ्टर दैट अर्जुन इज रेडी टू फाइट. उन्होंने बिलीव किया कृष्ण की बातों पे कि मुझे इस पाथ पे ही चलना है, मुझे इस रास्ते पे ही जाना है, यही मेरे लिए सही है. आफ्टर सेलेक्टिंग द राइट मेंटोर, एक अच्छा मेंटोर सेलेक्ट करने के बाद जो भी मेंटोर आपको बोलता है उसमें चाहे कितना भी हार्ड वर्क हो, कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी हमें कुछ भी करना पड़े, हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए विद द गाइडेंस ऑफ आवर मेंटोर. तो इस तरह का फेथ हमें अपने मेंटोर के ऊपर होना चाहिए. सो एट लास्ट
I want to share 7 benefits of having a mentor. The first benefit of having a mentor, it will fasten your speed to reach the goal. आपकी जो speed है, जो time period है goal को reach करने का, जहाँ पे आप 5 साल में अपने goal को reach करने वाले थे, वहाँ पे आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर goal को reach कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि अब आपके पास आपके mentor का experience साथ होगा. जो चीजें आपको नहीं करनी है, वो आपको पहले ही बताऊंगी. जो चीजें आपको करनी है, वो आपको पहले ही बताऊंगी. तो जो आपकी स्पीड है, वो और ज्यादा तेज हो जाएगी. Second benefit is more chances of success and less chances of failure. Because आप वो तो करेंगे ही नहीं ना जो आपको नहीं करना है, because mentor आपको guide करेगा, और जो आपको करना है वो आप करेंगे, तो आपकी success के chances जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और जो failure के chances है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. अगर आप कभी, third benefit of having a mentor, अगर आप कभी demotivated feel करते हैं, आपको inspiration की ज़रूरत होती है, तो mentor आपको help करता है, आपको push करता है, motivate करता है, आपको inspire करता है, दोबारा से get up करने के लिए, दोबारा से bounce back करने के लिए, और दोबारा से अपने रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए. The fourth benefit of having a mentor is you will never lose your focus. हम focus क्यों lose कर देते हैं? Because हमें path की clarity नहीं होती, इसलिए हमें पता ही नहीं होता किस direction में जाना है. तो जब हमारे पास एक mentor होता है, तो हमें path की clarity मिल जाती है, जिसकी help से हम कभी भी अपने focus को lose नहीं करते. The fifth benefit of having a mentor is you will be able to fight with the distractions. Lot of distractions come in our way when we reach our goal. Just like Facebook, YouTube, social media, bad habits, bad association, इस तरह की distractions हमारे पास आती हैं. तो जब हमारे पास एक अच्छा mentor होता है, तो हम इन सारी distractions को easily fight कर पाते हैं, इनसे easily लड़ पाते हैं, इनसे easily बाहर निकल पाते हैं. The sixth benefit of having a mentor is mentor will provide you success environment. मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर भी किया है ऑलरेडी एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस, की एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है. जब हम किसी सक्सेस के रास्ते पे आगे निकलते हैं, अपने गोल, अपने एम के रास्ते पे आगे निकलते हैं, तो हम किस तरह के लोगों के साथ हैं, किस तरह के माइंडसेट्स के साथ हम काम करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ हम अपना ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम कितनी जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे और कितनी सक्सेस हमें अपनी लाइफ में मिलने वाली है. सो जो मेंटोर होता है, मेंटोर आपको एक सक्सेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इस तरह के लोगों का एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, जिनकी हेल्प से, जिनके माइंडसेट की मदद से, जिनके मोटिवेशन से, जिनके इंस्पिरेशन से आप खुद को इंस्पायर करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, और लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हो. द सेवंथ एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ मेंटोर इज कि अगर आप लाइफ में अपने एक्सक्यूजेस को खुद किल नहीं कर पा रहे, तो मेंटर आके आपके एक्सक्यूजेस को किल करता है, आपको पुश करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो ये 7 बेनिफिट है मेंटर होने के. तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया कि एक मेंटर का होना क्यों जरूरी है, ओनली राइट मेंटर का होना क्यों जरूरी है, आपके मेंटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपका मेंटर पे फेथ किस तरीके का होना चाहिए, और अगर आपकी लाइफ में मेंटर है तो उसके क्या 7 बेनिफिट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं. तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक राइट मेंटर को सेलेक्ट करना है. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद सिनोनिम सॉल्यूशंस. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.